मंत्रालय में आपको जो है ऊर्जा और कृषि मंत्रालय में लग रहा है। और अभी जो देखा गया, मैं आपके बैकग्राउंड के विषय में जो पढ़ रहा था, जो है किसान भी है तो कॉन्ट्रैक्टर भी है, तो ये राजनीतिक में जो कैसे आ गए आप? भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि वो ये छोटे आदमी को भी कहाँ से कहाँ ला के भारतीय जनता पार्टी गुजराती है। तो हमारे जैसे एक छोटा एक मैं गांव का एक छोटा गांव का में एक छोटा भारतीय जनता कार्यकर्ता था, वहाँ से पार्टी में काम करने कर फिर भी आज एम एल ए बने, आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तक पहुँचाया। और मैं नीचे से जहाँ तक आया हूँ, मैं खेलूट भी हूँ, मेरा मन पराग्रह हम लोग खेती करते करते आए हैं, तो उसके लिए भी हम लोग फार्मर का जो छोटा मोटा प्रश्न है वो भी हमको पता है कि इसको फार्मर क्या क्या तकलीफ है, वो सब हम लोग साथ में बैठ के उसको भी हम दिया। सर जैसे अभी लोगों को ये उम्मीद नहीं था कि भूपेंद्र जी को जो है सीएम बनाया जाए या आपको जो मंत्रालय दिया जाए, तो जब आपका रिएक्शन क्या था जब मालूम पड़ा कि आपको जो मंत्री पद जो दिया जा रहा है उस समय? रिएक्शन में आप देखेंगे एक छोटे आदमी को भी वहाँ से वहाँ बिठा देंगे, वैसे भी हम एमएलए से हम लोग 10-18 एमएलए है, हम लोग वोट हुई हमारी, तो हम लोग साथ में मिले टीम बन के हम लोग काम करने वाले। और लोगों को जो समस्या लोगों तक पहुँचती है, हम लोग जो जितनी जितनी समस्या है हम लोगों के साथ में हम लोग निपटाएंगे। सर सूरत में अभी जो देखा गया पिछले बार जो अभी हाल में नगर निगम का जो इलेक्शन हुआ उसमें आम आदमी पार्टी जो है विरोध पक्ष में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो आने वाला जो इलेक्शन है उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी का जो कंपटीशन जो है आपके साथ है या कांग्रेस के साथ में? ये तो देखो 14 महीने साल यहाँ कोई पार्टी दिखेगी नहीं, ओनली फॉर बीजेपी ही रहेगी। और सर अभी जो है अभी जो नए जो युवा जो है कई लोगों का ये होता है कि मैं राजनीतिक में आना चाहूँ, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग सबके लिए वेलकम है नया युवाओं को। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखेंगे तो 65-70% यंग जनरेशन है, और यंग जनरेशन जब भी राजनीति में आएंगे तो कुछ न कुछ देश के लिए बदलाव लाएंगे। हम तो युवाओं को हम सामने से बुला रहे हैं, आओ राजनीति ज्वाइन करो, और देश को पूरा हमारा देश है उसको युवा ही आगे बढ़ा पाएंगे। और हमारा प्रधानमंत्री जी के वही ख्याल है कि युवा आगे आए, और युवा के हिसाब से सब जो छोटे मोटे जो उसका जो युवा लोगों को जो तकलीफ है उसकी नई जो सोच है वो लोगों के सामने आए और एक नया भारत का निर्माण हम करेंगे। सर अभी जो नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा जो एक सामना करना पड़ रहा है किसान आंदोलन, जो कुछ समय पहले पूरे जो देश को झकझोर के रख दिया था दिल्ली में जो है, तो अभी आप खुद के किसान हैं, आप जो खुद है एक खेडूत है, तो ये किसान आंदोलन जो क्या जो अभी जो कर रहे जैसे पंजाब हरियाणा यूपी के लोग हैं गुजरात से ने बहुत ही ट्राई किया था कि यहाँ के दे किसान जो जुड़े, तो किसानों के लिए ये आना चाहिए कि नहीं ये आंदोलन में उसके लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज है जैसे कि आप खुद खेडूत हैं? नहीं खेडूत हूँ, किसानों का आपका माध्यम से कहना तो सब किसानों को पता है। आप देखिए एक ही हरियाणा को छोड़ के एक आदमी छोड़ के सब देखे कोई किसान आज जो नया जो कायदा जो मतलब नरेंद्र मोदी ने किया है इसमें किसान को फायदा है। आज हमें मेरा दक्षिण गुजरात की बात करता हूँ तो हमारे कामरेज केरा मंडली है, तो वह मंडली ऐसा जो बाहर के जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं वो फार्मर को ला के नए नए केले के नए वो नई जात है वो ला के उसको देते हैं और वो पका के वो खुद की लेके आज तो नहीं कायदा तो अभी आया लेकिन हम लोग 7 साल से ऐसा कर रहे हैं और ये इनकी अभी बात हम तो 7 साल से ही कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छी बात है। तो मतलब आप जो किसानों के भलाई के लिए जो प्रगति के लिए आप काम करेंगे जैसे आप खुद केवल कहते जैसे आप बोल रहे हैं प्रगति के लिए काम करेंगे। अभी तक इतनी सरकार आके गई आपने देखा कोई किसानों को सीधा किसान निधि का किसी को लाभ मिला? अब नरेंद्र भाई है वो सीधा खेत रुपये खाते के अंदर 6,000 रुपये सीधा हर साल के अंदर जमा होता है, वो अभी कोई प्रधानमंत्री आए अभी तक वो किसान के बारे में छोड़ा एक ही ये नरेंद्र भाई मोदी है जो किसान को पहले सोचने वाला नरेंद्र भाई मिला। सर जैसे अभी पेट्रोलियम ऊर्जा मंत्री है उसके विषय में आपको क्या कहना है? ऊर्जा जो मंत्रालय है उसको आप कैसे प्रगति मिलाएंगे? और जो ऊर्जा के अंदर हम लोग साथ में बैठ के विभाग के साथ बैठ के तो लोगों के हम लोगों ने भी सब जगह पर हमें देखा कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, हम लोग इसमें क्या नया डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो वो साथ में बैठ के हम लोग जो हम लोग करेंगे
जब नरेंद्र भाई पहली बार यहाँ आए हैं तो नरेंद्र भाई ने पहली बार बोला कि हम लोग 24 घंटे बिजली देंगे, तो सभी कांग्रेस वाले हंस रहे थे भाई नरेंद्र भाई क्या बात कर रहे हैं। तो और नरेंद्र भाई की सोच ऐसी है कि आप सामने सोचो कैसे नया हम लोग कर सकेंगे, तो आज देखेंगे कि पूरा 18,000 गांव में 24 घंटा बिजली मिल रही है और गुजरात का मॉडल दूसरे स्टेट वाले अपना रहे। तो सर आम आदमी पार्टी जो है अभी जो गुजरात में अपना जो कदम बिछा रहे धीरे धीरे और दिल्ली मॉडल के ऊपर में चर्चा करें, जबकि पूरे विश्व में जो गुजरात मॉडल जो है नरेंद्र मोदी जी का जो है फेमस है, तो क्या आपके अनुसार मतलब आम आदमी पार्टी इसमें सक्सेस होगी अपने जो भी काम कर रही है उसमें? हम लोग उसको आम आदमी को देखते हमें बात ही नहीं करते हैं, हम हमारा काम करते रहे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, बाकी हम लोग हमको वही देखते रहे, हमारा भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही वही देखते हैं, हम किसी कोई पार्टी को देखते नहीं, हम लोग जो काम कर रहे वही काम सही है और हमारा हमारा कार्यक्रम भी वही देखते, किसी को आम आदमी पार्टी का नाम लेना है कोई पार्टी का नाम लेना नहीं चाहते। तो सर गुजरात में जो आप लोगों का जैसे बीजेपी है, बीजेपी के अलावा जो सेकेंडरी विरोध पर से आपके आपके हिसाब से कौन आने वाले होंगे? 182 में 182 सीट जीतने वाला कोई विरोध पर आने की बात ही नहीं है। चलिए अच्छी है सर, पीएनजी न्यूज़ की जो शुभकामनाएं आपके साथ में बना रहे, आप देख रहे हैं पीएनजी न्यूज़ 24। धन्यवाद।